सब्सक्राइब टू माय चैनल मिसेस शिक्षा वाली। अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। आज का हमारा टॉपिक है टेस्ट का पार्ट टू। पार्ट वन में मैंने आपको इंट्रोडक्शन, आइडिया ऑफ सेट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बताया था। आज पार्ट टू में मैं आपको टाइप्स ऑफ सेट एंड कार्डिनैलिटी ऑफ सेट बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक सेट्स पार्ट टू। इन पार्ट टू ऑफ सेट्स आई विल टेल यू अबाउट टाइप्स ऑफ सेट्स एंड कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स। इन पार्ट वन आई हैव टोल्ड यू अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स, आइडिया ऑफ सेट्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, थ्री मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। नाउ इन टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट्स कितने टाइप्स के होते हैं? सेट्स की फाइव टाइप्स होती हैं। सेट्स को रिप्रेजेंट करने की, सेट्स में क्या क्या जो अंदर लिखा होता है उससे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सेट हमारा किस टाइप का है। सेट्स के जो मेंबर्स होते हैं, सेट्स की जो रिप्रेजेंटेशन होती है उससे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारा ये कौन सा सेट है। तो फाइव कैटेगरीज क्या है? फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट, नल सेट्स एंड इक्वल सेट्स। अब मैं आपको एक एक करके इन सारे सेट्स के बारे में बताऊंगी। फर्स्ट टाइप इज फाइनाइट सेट्स। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनाइट? फाइनाइट मींस आपको कोई भी जो अंदर एलिमेंट्स लिखे हैं सेट्स के वो पता है, मतलब उनकी एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, फिक्स्ड नंबर है, काउंटेबल है, वो लिमिटेड है। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए वोवल्स ऑफ अ इंग्लिश अल्फाबेट, आपको पता है कि वो सिर्फ फाइव हैं, उनको आप काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे सेट्स जिनको आप काउंट कर पाए वो क्या होते हैं? फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं? काउंटेबल, डेफिनेट एंड लिमिटेड, जिसमें एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर काउंटेबल, डेफिनेट एंड लिमिटेड। आपको पता है कि पांच ही होते हैं इंग्लिश में अल्फाबेट, आपको पता है कि 26 ही होते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? सपोज कीजिए आपको कैसे क्वेश्चन दिया होगा, आपको क्वेश्चन दिया होगा वोवल्स ऑफ अ, क्वेश्चन होगा सेट ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर फाइनाइट और नॉट, आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, और किसी और टाइप का सेट दे दिया होगा आर फाइनाइट और नॉट। अब आप क्या करेंगे इसमें? पहले तो आप इसको सेट फॉर्म में लिख लेंगे। ए हमारा सेट होता है, मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया है, कर्ली ब्रैकेट्स वोवल्स लिख लेंगे ए ई आई ओ यू। अब देखिए काउंट करिए कितने मेंबर्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5, फाइव मेंबर्स हैं, मींस ये काउंटेबल है, मींस ये फाइनाइट है, दिस इज अ फाइनाइट सेट, ठीक है। अब एक और एग्जांपल मैं बताती हूँ। ये तो था एक स्टेटमेंट दिया है कि सेट ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर फाइनाइट और नॉट, आप बता देंगे, ठीक है। अब अगर आपको दिया है बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको दिया है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर एंड होल नंबर इज लेस देन 7। सपोज कीजिए आपको ये क्वेश्चन दिया है, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि दिस इज फाइनाइट और नॉट। कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? पहले इस स्टेटमेंट से, अभी आप स्टार्टिंग लेवल पे हैं, इस स्टेटमेंट से कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे ये क्या लिखा है, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज, ये आपके सेट की ही फॉर्म में, आप इसको रोस्टर फॉर्म में पहले तो लिख लीजिए। रोस्टर फॉर्म में क्या होगा? बी हमारा सेट दिया है, बी लिखा, कर्ली ब्रैकेट लगाए, होल नंबर है, एक्स क्या है? होल नंबर है, और वो भी कैसा है? लेस देन 7।
जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, लेस देन सेवन लिखने हैं, सिक्स तक लिखेंगे। आप इसके मेंबर्स काउंट कर पा रहे हैं? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, कितने मेंबर्स हुए? सेवन मेंबर्स। तो आपने काउंट कर लिए ना, तो ये क्या होगा? फाइनाइट सेट। आई होप दिस इज क्लियर। फाइनाइट सेट्स वही होते हैं जिनके आप नंबर्स या मेंबर्स या एलिमेंट्स काउंट कर पाए और वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में हो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट कैटेगरी। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ सेट्स आर इनफाइनाइट सेट्स। इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, अनलिमिटेड हो या फिर अनकाउंटेबल हो। आपको कोई ऐसा स्टेटमेंट या ऐसा नोटेशन दे रखा हो जिसको आप काउंट नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पाएंगे, वो क्या होते हैं? इनफाइनाइट सेट्स, अनलिमिटेड, अनकाउंटेबल। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज कीजिए आपको दिया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? मैंने सबसे फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था, सबसे पहले नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स। अब आप इसको सेट फॉर्म में लिख लीजिए। नेचुरल नंबर्स को एन से डिनोट करते हैं, तो सेट का नाम हम एन दे देते हैं, कर्ली ब्रैकेट, वन टू थ्री फोर। और मैंने कहा था जब आपको कोई एन लिमिट ना पता हो तो आप क्या लगा देते हैं? ये तीन डॉट्स, सो ऑन। तो आप देखिए यहाँ आपको कोई लिमिट नहीं पता है कहाँ तक के नेचुरल नंबर्स लिखना है, तो आप काउंट कैसे करेंगे? जब काउंट नहीं करेंगे, काउंट नहीं कर पाएंगे, तो ये कैसा सेट हो गया? ये हो गया इनफाइनाइट सेट। अब यही पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 20 से लेस देन 20 तक के आप नेचुरल नंबर्स लिख देंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, आपने 20 तक के नेचुरल नंबर्स 20 से लेस वाले लिख दिए। अब 19 तक के नंबर्स को तो आप काउंट कर सकते हैं ना, कितने हुए? 0 से 19, वो 1 से 19 काउंट करेंगे, 19 नंबर्स हुए, तो वो काउंटेबल है। तो क्या लिखेंगे आप? इट इज अ फाइनाइट सेट। डिफरेंस समझ में आ गया फाइनाइट और इनफाइनाइट में? फाइनाइट को आप काउंट कर पाए और इनफाइनाइट को काउंट नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही यहां पर अगर दिया हो सेट ऑफ होल नंबर्स, तो आप क्या लिखेंगे? 0 1 2, होल नंबर को W से डिनोट करते हैं, सेट का नाम मैं W ही दूंगी, 0 1 2 3 4, सो ऑन। कहां तक जाएंगे? आई डोंट नो, यू डोंट नो। तो क्या होगा? ये इनफाइनाइट सेट हुआ। इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट्स, आई होप इट इज क्लियर। नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। द थर्ड कैटेगरी इज सिंगलटन सेट। व्हाट इज सिंगलटन? सिंगलटन मींस सिंगल, सिंगल मींस वन। इससे आपको क्या पता चला? कि ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, इट कैन बी एनी थिंग, टू थ्री फोर, कुछ भी है हमारा। सपोज कीजिए ए इज इक्वल टू टू, या फिर माइनस वन, या फिर ए इज इक्वल टू वेंसडे, कुछ भी हो, सिर्फ सिंगल एलिमेंट हो, एक ही एलिमेंट हो, तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट। ठीक है, अब इस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज कीजिए आपको एक सेट बिल्डर नोटेशन दी हुई है, ए इज इक्वल्स टू एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड दैट टू एक्स इज लेस देन टू। यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट इज दिस अ सिंगलटन सेट और नॉट। तो ये कैसे करेंगे आप? अब यहां पर कुछ बच्चे क्या करेंगे?
इसी को देख के कहेंगे भाई दो दिख रहा है, मतलब दो या दो से ज्यादा दो एलिमेंट्स होंगे टू दिख रहा है, जल्दी से लिख देंगे यस इट इज अ सिंगलटन सेट। ऐसी गलती कभी नहीं करना, जब भी आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म या फिर बिल्डर फॉर्म दे रखी हो आप उसको पहले रोस्टर में जरूर कन्वर्ट करें। आप इसको रोस्टर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखा है, एक्स एक नेचुरल नंबर है वो भी लेस देन टू। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, वन से ऑल नंबर्स, तो टू से लेस कौन सा नंबर हुआ, सिर्फ वन ही तो हुआ। बस कितने एलिमेंट आए सेट में, एक ही आया, तो हमारा सेट क्या हो गया, सिंगलटन। ठीक है, सिंगलटन सेट मीन्स वन एलिमेंट। नाउ एक और क्वेश्चन है, अभी तो आपको बिल्डर फॉर्म दे रखी थी, अब आपको एक स्टेटमेंट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दे रखी है, डेज ऑफ वीक हूज नेम बिगिंस विद लेटर W। आपको ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दे रखी है, आपसे कहा गया कि आप इसको बताइए कि ये सिंगलटन है या नहीं है। क्या करेंगे, मैंने कहा सबसे पहले रोस्टर नोटेशन लिखना, ए सेट मान लिया कर्ली ब्रैकेट्स, वीक के नेम्स में W लेटर से कौन सा डे शुरू होता है, संडे में S, मंडे में M, ट्यूजडे में T, वेडनेसडे, एक आपका आया वेडनेसडे में W, वेडनेसडे लिख लीजिए, फिर थर्सडे में T, फ्राइडे में F, सैटरडे में S, एक ही ऐसा डे है जिसमें W आता है, तो बस रोस्टर फॉर्म का ब्रैकेट क्लोज, एक ही एलिमेंट आया सेट में, तो ये हमारा यस इट इज अ सिंगलटन सेट। अगर आपको दिया होता डेज ऑफ वीक हूज नेम्स बिगिन विद लेटर टी, अब टी से क्या आते हैं, ट्यूजडे थर्सडे, दो एलिमेंट्स आ जाते हैं, आप लिख देते हैं नो इट इज नॉट अ सिंगलटन एलिमेंट। ठीक है, इट इज अ फाइनाइट सेट, हम उसको काउंट कर सकते हैं, इट इज अ फाइनाइट सेट। ठीक, आई होप इट इज क्लियर, फाइनाइट इनफाइनाइट एंड सिंगलटन। नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, द फोर्थ कैटेगरी इज नल सेट्स। नल सेट्स या फिर एम्प्टी सेट्स या फिर वॉइड सेट्स, ऑल दिस नल एम्प्टी एंड वॉइड मीन्स नो एलिमेंट इन द सेट। So, null set, empty set and void set is having no element in the set. इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ हम सिंपल सेट का कर्ली ब्रेसेस बना देंगे और अंदर कुछ नहीं लिखेंगे, null means no element, या फिर simplify। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन हुई null set की। आप सपोज कीजिए एक एग्जांपल में आपको क्वेश्चन से बताती हूँ, सपोज कीजिए आपको दे रखा है एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन प्राइम नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन टू। अब आपको पता है प्राइम नंबर्स में सिर्फ टू ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन होता है, तो हमारे पास क्या लिखा है यहां पर, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर एक्स ग्रेटर देन टू, ये आपको बताना है क्या ये नल सेट है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म के लिए कर्ली ब्रैकेट लगा लिया। अब इवन प्राइम नंबर, टू ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है, ये आप को पता होना चाहिए, पता होना क्या, आप देख लीजिए कोई भी आगे कोई भी इवन नंबर आएगा वो वन से डिवाइड हो जाएगा, खुद से हो जाएगा और टू से भी होगा, इसलिए वो प्राइम होगा ही नहीं। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं जो या तो खुद से या सिर्फ वन से डिवाइड हो,
अब बाकी दो से बड़े जो इवन नंबर्स आएंगे वो तो दो से हमेशा डिवाइड होंगे ही होंगे, तो सिर्फ टू ही ऐसा इवन प्राइम नंबर है। अब यहाँ एक और कंडीशन लगी है, ग्रेटर देन टू वाले चाहिए, तो जब कोई है ही नहीं तो कहाँ से चाहिए, तो ये एक नल सेट है। यस इट इज अ नल सेट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज x is such that x belongs to natural number and that too less than 1. Natural numbers कहाँ से, पहले तो आप set बनाइए, a roster form के लिए आप bracket बनाइए curly वाला। x belongs to natural number, natural number कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से लेके all numbers, पर यहाँ condition लगी है x less than 1 है। अब less than 1 कैसे होगा भाई, natural number 1 से ही शुरू होते हैं, so it is also a null set, ठीक है। अगर यहाँ होता greater than x is greater than 10, तो आप क्या लिखते, 10 के आगे के 11, 12, 13, so on, dot dot लगा देते। आपसे पूछा गया होता कि ये सिंगल सेंटन सेट है, आप कहते सिंगलटन सेट नहीं है लेकिन इनफाइनाइट है, क्यों, 10 के बाद आगे के जितने भी नंबर्स सब नेचुरल नंबर हैं, आप नहीं काउंट कर पाएंगे ना, तो वो इनफाइनाइट होता, ठीक है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। द फिफ्थ कैटेगरी इज इक्वल सेट्स, नाम से ही पता चल रहा है इक्वल मतलब इक्वल। ये क्या है, अगर आपको दो सेट्स दे रखे हैं, सपोज कीजिए ए एंड बी, वो दोनों आपको फाइंड आउट करने होंगे इक्वल है या नहीं। तो इक्वल वो कब होंगे, जब दोनों में सेम एलिमेंट्स हो, जैसे कि ए और बी या फिर बी और ए, सेम एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं कहा मैंने, सेम एलिमेंट्स हो, ठीक है। सेम मतलब सेम दिखने जैसे, ए ए बी बी, अगर ट्यूसडे होता थर्सडे होता तो इसमें भी थर्सडे ट्यूसडे ट्यूसडे थर्सडे ऐसा होता, ठीक है। तो ये हमारे इक्वल सेट्स हैं, मतलब सेम टाइप के एलिमेंट्स हैं। अब अगर यहाँ पर होता ए बी सी और फिर होता सी ए बी सी, ये बताइए इक्वल है या नहीं। यस इट इज ऑल्सो इक्वल, ए बी सी है, ए बी सी ही है, इट डजंट मैटर्स कि वो दो बार आ रहा है, these are also equal sets, type मैंने कहा same type के elements हों, same type के elements ही तो है, d तो नहीं है fourth element, a b c में से ही है ना, तो ये भी equal sets हैं। equal sets क्या होते हैं, जिसमें same type के elements हों। now next is, अगर आपको कोई एग्जाम्पल दे रखा हो, सपोज कीजिए मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूं, इफ ए इज 3, 5, 7, 9, 11, बी इज ऑड नंबर्स बिटवीन 2 to 12, दो से 12 के बीच में ऑड नंबर्स, ए तो हमें दे रखा है रोस्टर फॉर्म में, बी हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दे रखा है। अब आप क्या करेंगे, बी को पहले तो रोस्टर फॉर्म में लिखिए, ऑड नंबर्स बिटवीन 2 से 12 के बीच में, पहला क्या होगा 3, 5, 7, 9 एंड 11, ये क्या हुए हमारे ऑड नंबर्स। तो देखिए सेम टाइप के एलिमेंट्स है ए और बी में, यस दे आर इक्वल सेट्स। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, सपोज कीजिए आपको दिया है ए मंथ ऑफ अ ईयर हैविंग less than 30 days,
बी में आपको दिया है सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर। अब देखिए ए भी आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया है, बी भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया है। अब आप क्या करेंगे, पहले इसको रोस्टर फॉर्म में बनाइए। ए का क्या होगा, मंथ ऑफ अ ईयर हैविंग लेस देन 30 डेज। ईयर में कौन सा ऐसा मंथ है जिसके 30 से कम दिन होते हैं, ऑब्वियसली फेब्रुवरी। नाउ सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर, मंथ का सेकेंड ईयर कौन सा है, फर्स्ट है जनवरी, सेकेंड है फेब्रुवरी। बी का रोस्टर फॉर्म क्या हो गया, फेब्रुवरी। देखिए सेम एलिमेंट्स आए हैं तो ये हमारा इक्वल सेट है। आई होप इक्वल सेट्स आर क्लियर। नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स। कार्डिनैलिटी, कार्डिनैलिटी से क्या मतलब है, कार्डिनैलिटी मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? अब सपोज कीजिए आपको दिया है फाइंड आउट द कार्डिनैलिटी ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। क्या लिखेंगे आप, वोवल्स क्या होते हैं, पहले रोस्टर फॉर्म लिखिए, ए ई आई ओ यू। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, 5। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, एन इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कार्डिनैलिटी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है सेट ए में, 5। तो कार्डिनैलिटी इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट एंड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन, और ये हमारा जो भी गिवन सेट हो, अगर यहाँ पर बी होता तो बी लिखते, सी होता तो सी लिखते, तो एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए आर 5। आप सपोज कीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया है, बी इज इक्वल्स टू, नहीं, फाइंड आउट द कार्डिनैलिटी ऑफ वर्ड स्कूल। स्कूल की कार्डिनैलिटी निकालनी है, कैसे, पहले आप रोस्टर फॉर्म लिखिए। आपको कोई भी स्टेट डिस्क्रिप्शन दिया हो, कोई भी सेट बिल्डर फॉर्म दिया हो, आपसे कुछ भी पूछा जाए, आप रोस्टर फॉर्म जरूर लिखेंगे, उससे कभी गलती नहीं होगी। कार्डिनैलिटी निकालने के लिए रोस्टर फॉर्म पहले लिखेंगे। मैंने आपको बताया है कि अगर एलिमेंट्स रिपीटेड हो तो उसको एक ही बार लिखते हैं। कल मैंने सेम एग्जांपल आपको पार्ट 1 में बताया था ना, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5। तो कार्डिनैलिटी ऑफ सेट इज 5। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। अब अभी मैंने आपको पढ़ाया था सिंगलटन सेट, उसमें एक ही एलिमेंट होता है तो उसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी, 1। और नल सेट की क्या होगी, ये तो सिंगलटन की हुई, ठीक है, नल सेट में कुछ भी नहीं होता है तो उसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी, 0। आई होप दिस इज क्लियर। फाइनाइट सेट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे आप लिख देंगे। इनफाइनाइट सेट की कार्डिनैलिटी इज नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि जब आप गिन ही नहीं सकते हैं, कोई चीज काउंटेबल ही नहीं है, तो आप कैसे बताएंगे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो उसकी कार्डिनैलिटी इज नॉट डिफाइंड। अब एक मैं आपको क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक के एक दो एग्जांपल्स बताती हूँ, इट विल बी मोर क्लियर। नाउ क्वेश्चन इज फाइंड द कार्डिनल नंबर a is equal to x such that x is an integer and x is greater than -5। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द कार्डिनल नंबर।
सेट बिल्डर फॉर्म में क्या दे रखा है? A is a set in which x is an element such that x is an integer and x is greater than minus 5. अब आपको x is an integer नहीं, x is a negative integer and x is minus 5. इंटीजर लिखा होता तो इंटीजर्स तो बहुत सारे होते हैं, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव सब आ जाते हैं, आप कार्डिनलिटी नहीं निकाल पाते. नेगेटिव इंटीजर दैट टू ग्रेटर देन 5. अब आप इसके लिए क्या करेंगे? आपको पता है ग्रेटर देन 5 इंटीजर्स नेगेटिव वाले लेने हैं आपको, माइनस 5, माइनस 4, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. ये हुए, लेकिन आपको क्या लेने हैं? माइनस 5 से बड़े. माइनस 5 से बड़े पॉजिटिव में क्या होता है? 5 के नंबर लाइन में आप देखिए, पॉजिटिव में क्या होता है? 5 के आप आगे वाले नंबर्स को बड़ा मानते हैं. 5 के आगे जितने भी होंगे 6, 7, 8, 9, 10. लेकिन नेगेटिव में क्या होता है? नंबर लाइन पे देखिए, पहले क्या आ रहा है? माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5. तो 5 माइनस 1 से माइनस 4 वाले माइनस 5 से बड़े हुए, तो हमारे पास क्या आया? अब इसका पहले आप रोस्टर फॉर्म लिखिए. A इज इक्वल्स टू माइनस 4, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1. माइनस 5 से बड़े सारे नेगेटिव इंटीजर्स लिख लिए. कितने आए? 1, 2, 3, 4. कार्डिनलिटी क्या हो गई? Na इज इक्वल्स टू 4. हमारे पास 4 कार्डिनल नंबर्स हैं. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ A is such that x is such that x is a factor of 6. 6 के factors का cardinal number हमें find out करना है. पहले आप roster form में लिख लीजिए 6 के factors, मतलब 6 को जो completely divide कर दें. 1, 6 जा 6, 1 होगा. 2, 3 जा 6, 2 भी होगा. 3, 2 जा 6, 3 भी होगा. 6, 1 जा 6, 6 भी होगा. क्या कोई 6 से बड़ा होगा नंबर? उसका फैक्टर 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा? नॉट पॉसिबल. तो कितने नंबर आए? 1, 2, 3, 4. तो कार्डिनलिटी विल बी Na इज इक्वल्स टू 4. आई होप दिस इज क्लियर. आपको कुछ भी स्टेटमेंट दे रखा हो सेट बिल्डर फॉर्म में, आप उसकी रोस्टर फॉर्म लिखिए. नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट हो रहे हैं, काउंट करके लिख दीजिए. अगर कोई इनफाइनाइट स्टेटमेंट दिया होता है इनफाइनाइट सेट का, तो आप लिख देते कार्डिनलिटी कैन नॉट बी डिफाइंड. आई होप दिस इज क्लियर. सेट्स के पार्ट 2 में मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ सेट्स, फाइनाइट, इनफाइनाइट, देन नल सेट, देन इक्वल सेट्स एंड सिंगलटन सेट्स. And I have also told you the cardinality. I hope this is clear. आप लोग अपनी exercise attempt कीजिए. कोई problem आए तो query कीजिए. I'll surely solve your problem. Thank you. Thank you for watching. Please like, comment and subscribe my channel. And also press the bell icon for the notification. Bye-bye.